दरवाजे में बैठे हुए कुछ लोगों से भी हम जानना चाहेंगे कि आप किस पार्टी को पसंद करते हैं और किस पार्टी ने किस प्रत्याशी को मैदान में उतारना चाहिए जो इलेक्शन को जीता सके। तो नमस्कार भाई। हाँ जी बताइए, हम विधानसभा उचाना को लेकर के विधानसभा का चुनाव को लेकर के उचाना के अंदर सर्वे कर रहे हैं, किस पार्टी को आप पसंद करते हैं पहले तो ये बताइए। हम बीजेपी का नाम पसंद करा जी। बीजेपी ने पसंद करा। और किस पार्टी ने किस नेता को उतारना चाहिए जो यहाँ जीत हासिल कर सके? देख जी, बीजेपी का हिसाब था बताऊँ जी, वीरेंद्र डुमरखा का और उसका घर का परिवारवाद जो है नहीं आज की राजनीति में, इस हिसाब था किसे बढ़िया अफसर था या कोई बढ़िया पब्लिक था मिलने वाला आदमी हो उस तक टिकट देनी चाहिए। वीरेंद्र का परिवार था टहल का कोई भी हो, क्योंकि हल्का में या डूमर खेस आई है नहीं या तोड़नी जरूरी है। लोगों का इस मन में यू बहम है भाई सारा राज डूमर खा कर गया, ठीक है, और डूमर खा का असली नाम चौधरी वीरेंद्र सिंह है, दूसरा कोई है नहीं, ठीक है। और पार्टियां भी कई हैं जी, जिस तरह इनालो है देशराज का लड़का था टिकट नहीं देना चाहिए जी, परिवारवाद था, परिवारवाद था हट का टिकट देना चाहिए, नया चेहरा आना चाहिए। तो नया चेहरा कौन होना चाहिए, आपको पता है कोई नया चेहरा कौन कौन हो सकता है? नया चेहरे तो बहुत आ रहे हैं जी, जिस तरह कांग्रेस का है काली छात्र है सुरजाला का गल्ला रहा है, बढ़िया काम करता है पब्लिक की, उसकी बढ़िया सोच है, वो आना चाहिए, ठीक है। बीजेपी तो सागर है जी, इसमें तो बहुत अच्छे आदमी है, इनालो ने भी अपना समझ के ना बहुत योग्य आदमी है, इनालो में भी उचाना था जो है सरुए था पब्लिक की हेल्थ में जुटे उन आदमियों ने टिकट इनालो भी दे दी, इनालो भी उनती दे है जिसका ब्योता अच्छा हो या 25-30 लाख 1 करोड़ रुपये। ओए कितनी गहरी बात एक गांव के आम व्यक्ति के मुख से निकली है कि कुछ पार्टियां तो उन्हीं को वोट देती है जिसके घर का ब्योत अच्छा हो, भले ही उस आदमी के अंदर काबिलियत ना हो राजनीति करने की, लेकिन उस घर का ब्योत अच्छा हो उसको टिकट देगी। वाह, और तो जी बढ़िया है, बढ़िया विकास होने लग रहा है। तो बीजेपी के लिए नया चेहरा कौन है आपकी नजरों में उचाना में? बीजेपी के लिए तो नया तो कोई ईसा हो जो पुराना राष्ट्रीय सेवक संघ तय जुड़िया हो, ईसा कोई कैंडिडेट नहीं हो भी कांग्रेस तय आज लिया यहाँ बीजेपी में तड़का उसकी टिकट दे दिया। तो कोई चेहरा है आपकी नजरों में? है, पार्टी करेगी ऐलान, बढ़िया चेहरा नतारेगी, बढ़िया अफसर होगा, कोई न्यू नहीं है, अभी अनोलीज आदमी ठेकेदार था दारू पीने वाला था टिकट पकड़ा दी, जिस तरह पहली आए करते ठेकेदार होता वह उसका टिकट दे दो, बीजेपी इस तरह के काम नहीं करेगी, कोई बढ़िया आदमी ना लिया। तो जी आपने चुनाव बहुत ज़्यादा देखे होंगे, बहुत ज़्यादा चुनाव आपके गाँव में जो है जीते भी हैं हारे भी हैं, तो आप भी अपना विचार बताएं कौन अच्छा लगेगा? दो टप्पे हैं, जो बीजेपी की निशानी नहीं थी, कड़िया भी कौन थी, दड़ो दिया ना अच्छे वोट मिले, बढ़िया आदमी है उसका, बढ़िया मन कोई है दिखता इनमें। तो आपके भाग सिंह छात्र भी तो जीते थे यहाँ से? हाँ, भाग सिंह छात्र भी तो दिखे जीते थे। भाग सिंह छात्र ने तो बेरा हम ना दो कुछ से क्या ना कुआ भाई ना। तो अब नया चेहरा कौन सा आना चाहिए या इसी चेहरे को आप पसंद कर रहे हैं? बताए कि अब मंथन दनो दिया ना मिलनी चाहिए बीजेपी से। तो बस दिनों दिया क्या नाम है? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश नैन को। हाँ, आपका क्या विचार है बाबू जी? आप आना नहीं बेरा जी क्या है? हाँ जी बताओ जरा। मैं बिल्कुल अनपढ़ हो, वोट किसको डालोगे? वोट बीजेपी को। हाँ जी बीजेपी को। बीजेपी को। तो प्रत्याशी कोई भी हो? कोई भी हो प्रत्याशी, कोई बिल्कुल। बहुत कुछ जानते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, बताओगे किसको वोट डालोगे? आप दो जी नेता देख कर बढ़िया नेता होगा उसको वोट डालेंगे। पार्टी कौन सी अच्छी लगे? पार्टी तो शुरू तो नैलो जी मारी दो भाई, बढ़िया काम करिए बीजेपी। बीजेपी पानी चाल रहे हैं बढ़िया, एक तो आपके गाँव में अच्छे काम हो रहे हैं, बढ़िया काम हो रहे हैं, अच्छा विकास हो रहा है, अच्छा विकास हो रहा है। तो किसको वोट डालोगे? वोट तो देख कर डालेंगे जी, प्रत्याशी को देख के वोट डालोगे। बहुत कुछ जानते हैं ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग, जिनकी विचारधारा है, कोई दब जाता है कोई बक जाता है और कोई कह देता है हमें कौन सी पार्टी अच्छी लगती है, कौन सा प्रत्याशी अच्छा लगता है। लोग ये भी देखने लगे हैं भाई पार्टी ये है और इस पार्टी में कौन सा प्रत्याशी आना चाहिए जो खुल के पब्लिक के बीच में आए, खुल कर अफसरों पर दाव दे, हम उस चेहरे को पसंद करेंगे। ये कहना था छात्र गांव के लोगों का।
तो लगातार आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें ग्राउंड मीडिया, और हम पल पल की खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। मैं हूं राजकुमार सोनी, नमस्कार। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और